प्रेज लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा। आज उनसे सुबह के लिए पिता परमेश्वर जो लाचार पड़े इस मसीह के नाम से आज उनकी जिंदगी में, उनके लाइफ में पिता परमेश्वर बदलाव कर दे, चेंज कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा, इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो। सुंदर से सुबह के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय दुख और तकलीफ और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए पैसा आपका वचन कहता है मैं कभी अनाथ तुमको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज हमें विश्वास और भरोसा रखने की आवश्यकता है। आज बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम आपके लिए इतनी प्रार्थना प्रेयर करेंगे कि इस मसीह के नाम से आज आपके हर एक बिगड़े काम, हर एक समस्याओं के आप लेकर के हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज प्रार्थना करते करते आप चंगाई को प्राप्त करने के, क्योंकि परमेश्वर आज आपको इतना आशीष देगा, इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, इतनी समझ, इतनी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा कि परमेश्वर कहता है तो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रख के कि तेरे हर एक काम सफल होंगे। जब जीवन में, लाइफ में कभी कोई समस्या आ जाए, ना समझ में आए मुझे क्या करना है लाइफ में, तो प्रार्थना में लग जाना क्योंकि परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना ही वह समस्या का, हर समस्या का समाधान है। इसलिए परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए आज हर एक किसी भाई बहन के प्राणों की आपने रक्षा की, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज इस सुंदर से सुबह के लिए हम यही दुआ करते हैं पिता, उनकी हर एक मसीह भाई बहन को संकट में, दुख में, तकलीफ में पिता बचा। आज उनके घर में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की बरकत नहीं है पिता, यीशु मसीह के नाम से घर में परेशान है यीशु मसीह के नाम से। मैं जानता हूँ खुदावंद इस समय हमारे देश में, हमारे संसार में पिता बहुत दुखों का सामना उनको करना पड़ता है खुदा। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमें हर एक मसीह भाई बहन को बचा ले पिता, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, आपके पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको वचन ही कहता है। दाऊद हमें समझाते हैं कि जब परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना तो किस तरीके अपने प्राणों की तेरी परमेश्वर रक्षा करेगा, किस तरीके तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत, तुझे अनंत काल के जीवन देने वाला परमेश्वर तेरे साथ है, तुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगों से बचाने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तो क्यों डरता है? क्योंकि आज हमारे जीवन में दिन भर की जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें परमेश्वर हमारी मदद करेगा। आज आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे, जब तक प्रार्थना करते रहेंगे परमेश्वर आपके जीवन में हर कार्य को पूरा करता रहेगा। परमेश्वर विश्वास और भरोसा रखना ही हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे दाऊद वचन पढ़ते हैं, अध्याय 11 और वचन नंबर यहाँ पे पढ़ते हैं, एक में लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे अपने प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष डोरी पे रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो दुष्ट होते हैं वो कभी दुष्ट आचरण से बाज नहीं आते हैं, वो दुष्ट काम, गलत काम करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है उन पवित्र लोगों को जो परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए एकदम तैयार हैं, उसके लिए हर कुछ छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपके घर में हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार की तंगी हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस मसीह के नाम से। शादी के लिए, मैरिज के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके घर में पिता परमेश्वर उनकी चंगाई दे पिता इस मसीह के नाम से। आज वो विश्वास रखते हैं पिता, उनकी हर जरूरतों को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज़ को देने वाले पिता आप हैं, हर एक चीज़ उनके घर में देने वाले पिता आप हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, कि आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन के प्राणों की रक्षा की, उनको संभाल कर रखा, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी पिता। आज इस सुंदर से सुबह के लिए यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हे यहोवा, मेरा जो ध्यान है पिता आपकी ओर है पिता, आप तो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ ताकत सबको देने वाले परमेश्वर हैं, संकट के दिन में पिता परमेश्वर बचाने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं, आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन हम यही दुआ करते हैं, प्रार्थना आज हर एक मसीह भाई बहन के समस्याओं को लेकर के दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता, और जिन मसीह भाई बहनों के जीवन बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है इस मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों को नौकरी की जरूरत है पिता, जॉब की जरूरत है, आज उसके घर में प्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन, उसको अच्छी अच्छी खबर मिले, सुनने को मिले पिता परमेश्वर, जब भी आपकी प्रार्थना सुने, आपकी विनती, आप निवेदन करें पिता, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उनके प्राणों की रक्षा पिता आपने की, उनको हर पल हर समय हर घड़ी बचा करके रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अपने भवन में मुझे जगह दे पिता परमेश्वर, मैं आपके शरणों में आना चाहता हूँ पिता, मैं आपके धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और ताकत देंगे पिता, इसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ पिता परमेश्वर। मेरी हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को, हर समस्याओं को लेकर के प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता। आज हमारे देश में पिता परमेश्वर जो भी कुछ हो रहा है उसके कारण पिता परमेश्वर जो लाचार और गरीब है पिता परमेश्वर, जो असहाय अपने आप को महसूस करते हैं, वो अपने
आपको पिता परमेश्वर आपके चरणों पे आपके हाथों पे सौंपते हैं पिता इस मसीह के नाम से। पिता हर एक मसीह भाई बहन के परिवार के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के दुखों के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, चाहे वो चंगाई के लिए प्रार्थना हो, नौकरी के लिए प्रार्थना हो, घर परिवार के मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना हो। इन मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता इतनी आशीष दे पिता, इतनी ज्ञान दे, इतना बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, इनको इतना स्ट्रांग रख, इतना स्ट्रांग रख पिता परमेश्वर, इतना मजबूत कर दे मेरे खुदा। आज इनकी हर समस्याओं का समाधान, हर सोल्यूशन का समाधान करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आप तो अनंत काल देने वाले यह परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस सुंदर से समय के लिए आप हमें बचाएंगे, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं पिता आपके वचन पर और आप पर भरोसा रखते हैं मेरे यह परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को पिता परमेश्वर बचा कर रख, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यहोवा मेरा हर बुराइयों से बचाने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे पिता परमेश्वर और मुझे उत्तर दे पिता। आज मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ, बहुत मसीह भाई बहनों का ये सवाल है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। आज उसको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, उसके हर एक घटी कमी को पूरा करने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक समस्याओं को बचाने वाले पिता आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। मेरी आंखों की ज्योति को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं बहुत सारी समस्याओं में सामना कर पड़वा इस मसीह के नाम से, बहुत बुराइयों का सामना मुझे करना पड़ता है पिता, मुझे आजाद कर इन हर दुख तकलीफों से, मुसीबत से बचाने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसलिए मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज हम पर करुणा करेंगे, दया करेंगे पिता परमेश्वर हम मनुष्य के ऊपर, क्योंकि पिता आपका वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 13 वचन नंबर यहाँ पर लिखा है, एक में परिसर का वचन कहता है, संकट के समय में सहायता के लिए प्रार्थना करना यहोवा से, क्योंकि वही तेरे अच्छा और सुरक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता। इसीलिए परिसर का वचन कहता है, लिखा है जैसे भजन संहिता अध्याय 13 और वचन नंबर 1 में पढ़ते हैं, जब परिसर का वचन यहाँ पे कहता है, और दाऊद हमें समझाते हैं, जब भी आपके जीवन में लाइफ में संकट आए, दुख आए, मुसीबत आए, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, तो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करना, क्योंकि तभी तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि जब उसकी प्रार्थना उसके वचन के द्वारा हम जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यह परमेश्वर है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला, हर एक चीज़ को देने वाला, लाइफ में जो भी कुछ घटी और कमी हो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना, उसके बाद प्रार्थना करना, तब परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। आपको हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के निर्बलताओं से दूर करने वाला आपका यह परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो जिंदा खुदा। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, कब तक क्यों पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता आज के दिन के लिए यीशु मसीह के नाम से पिता, कि आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले, देखभाल करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। तो कब तक पिता परमेश्वर अपना मुंह मुझसे मोड़े रहेगा और छिपाए रहेगा पिता परमेश्वर। आज मैं हर एक मसीह भाई बहन के बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके पिता पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, चाहे वो घर में अनाज के लिए हो, वो पैसे के लिए हो, अनेक प्रकार की नौकरी के लिए, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए और बहुत सारी समस्याओं के लिए और बहुत सारे रोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप तो पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं पिता परमेश्वर। हम आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी हर प्रकार के संकटों में आप मेरी सहायता करेंगे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा ने समस्या के नाम से आज सुंदर से सुबह के लिए पिता, आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन के प्राणों की रक्षा की आप, उन्हें बचा कर रखा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कब तक अपने मन में ही युक्तियाँ करता रहूँगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं पिता, मैं कब तक अपने मन ही मन में सोचता रहूँगा और कहता रहूँगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा पिता परमेश्वर, जो मेरा संसार में दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इस मसीह के नाम से मेरे घर में बीमारी, रोगाणु, निर्बलताएँ, अनेक प्रकार की समस्याएँ लाइफ में, जीवन में, कब तक मुझे प्रबल मेरे ऊपर रहेंगे पिता, मेरा शत्रु कब तक मुझ पर प्रबल रहेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आप मेरे लाचार की प्रार्थना सुन पिता परमेश्वर, आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को सुन, इस समय जो गरीब है पिता परमेश्वर, जिनके घर में खाने के लिए, उनके दुआ की प्रार्थना करते विनती करते पिता परमेश्वर। इस संसार में सभी लोग गरीब है पिता परमेश्वर आपके सामने, लेकिन पिता परमेश्वर पैसे के लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन पिता परमेश्वर किसी प्रकार की घटी और कमी
पर पिता परिश्रम पूरा करने वाले मुहैया कराने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, उनकी जीवन की रक्षा भी आप ही करने वाले पिता परमेश्वर। जो भी आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ पिता परमेश्वर कि आपके वचन में ये सब कुछ लिखा है और हम उसके द्वारा सीख पाते हैं कि परमेश्वर के एक मसीह के जीवन में किस तरीके से दुख और संकट और क्लेश आएगा। हमें जानना है, हमें पहचानना है कि परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है, वही इकलौता खुदा है, वो जिंदा खुदा है, इसीलिए हम उस पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, जब हम प्रार्थना और विनती के द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन का इस्तेमाल करते हैं, पिता आपको वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे पिता परमेश्वर और मुझे उत्तर दे पिता, माँ पर विश्वास और भरोसा रखता हूँ पिता कि मेरे जो भी शत्रु हैं मुझ पर प्रबल ना होने पाए पिता परमेश्वर, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम आती हो लाइफ में जीवन के, कि मेरा भरोसा तुझ पर है पिता परमेश्वर, मैं आप ही पर भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन के कर्जे के लिए, दुख के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। जो भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें उनके जीवन में पिता परमेश्वर आशीष बहु पिता परमेश्वर आशीष की वर्षा कर पिता खुदावन, उनके बिजनेस में पिता परमेश्वर के कार्य में इतनी आशीष दे पिता परमेश्वर, उनकी इतनी आशीष दे पिता उनके जीवन में हर एक कठिनाइयों का पिता सरल मार्ग बना दे इस मसीह के नाम से, क्योंकि पिता आपने कहा है जो मेरे वचनों पर चलेगा, विश्वास करेगा और भरोसा रखेगा उसे मैं रोज नया मार्ग दूंगा, एक अच्छा एक उत्तम मार्ग दूंगा। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो खुदावन इस मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, जो भी आपके वचन में लिखा है पिता उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए दूर करने जा रहा है पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, मेरी आँखों में ज्योति आने दे पिता परमेश्वर, मेरी आँखों में रोशनी आने दे, प्रकाश आने दे पिता परमेश्वर, कि मैं अच्छे और बुरे का ज्ञान को प्राप्त करके पिता यीशु मसीह के नाम से उसको समझ सकूँ, उसमें देख सकूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है पिता परमेश्वर। जब तक मुझे यही नहीं समझ में आएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो मैं उसमें नहीं डिसाइड कर पाऊंगा पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं, और इस किस कारण से होता है पिता परमेश्वर, मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे हर एक कार्य सफल नहीं होते इस मसीह के नाम से। आज मैं उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बहुत काम करते हैं अपने घर में बाहर रह करके भी, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में ब्लेस हो, आपको आशीष करे, क्योंकि आप नम्र बने, क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास करता है, क्योंकि ये मेरे बेटे और बेटियाँ हैं, ये मुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, मैं इनकी रक्षा और सुरक्षा करूँगा। इसीलिए परमेश्वर आपके हर एक प्रकार के सवालों का जवाब देते हैं, हर एक प्रार्थना का जवाब देते हैं, हर एक दुख में परमेश्वर आपके साथ रहते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आंखों में कब पिता परमेश्वर ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे पिता परमेश्वर मृत्यु की नींद आ जाएगी। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे ऊपर जब तक ज्योति आपका प्रकाश नहीं पड़ेगा पिता परमेश्वर, जब तक पिता परमेश्वर मैं मृत्यु के समान हूँ, एक नींद के समान हूँ पिता परमेश्वर। जैसे नींद में कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, वैसे पिता परमेश्वर जब तक मेरे आंखों में पिता आपकी रोशनी, आपका प्रकाश, आपके वचन का, आपके पवित्र आत्मा का नहीं आएगा पिता परमेश्वर, मैं अपने लाइफ में संकटों से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि आप हमारी सहायता और ज्ञान और बुद्धि के लिए देने के लिए पिता परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, क्योंकि पिता जब हम बुद्धि हमें आप देते हैं तो हम उसके द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन को पढ़ पाते हैं, आपसे प्रार्थना कर पाते हैं, आपसे विनती कर पाते हैं, लोगों के लिए कुछ हेल्प कर पाते हैं इस मसीह के नाम से। इसीलिए पिता परमेश्वर आपसे ज्ञान मांगते हैं पिता परमेश्वर, इतनी ज्ञान इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसके द्वारा हम पिता परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपकी प्रार्थना कर सकते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर, अपने लिए दो रोटी के लिए कमा सकते हैं पिता इस मसीह के नाम से, क्योंकि पिता इस आपके वचन पे जो विश्वास और भरोसा रखते हैं कभी वो भूखों नहीं मरते पिता परमेश्वर, उनके हर परिवार में हंसी खुशी बनी रहती है पिता परमेश्वर, लेकिन शैतान किस तरीके से उनके जीवन में घात लगा करके बैठा रहता है पिता। आज उनके हर समाज में पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पिता परमेश्वर, ये संसार बहुत तेजी से पिता इस मसीह के नाम से, ये शैतान बहुत तेजी के साथ पिता परमेश्वर काम कर रहा है इस मसीह के नाम से, उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को, मुसीबतों को हटा दे मेरे खुदावन। आपसे प्रार्थना और यही करते हैं पिता, उनके हर एक संकटों में सहायता के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके हर एक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, नकारात्मक विचार और शक को दूर करिए मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि मैं आप पर भरोसा रखता हूँ इस मसीह के नाम से, और ऐसा ना हो कि पिता परमेश्वर मैं अपने शत्रुओं के कारण, अपने सताने वाले के कारण पिता परमेश्वर मंग ना हो पिता इस मसीह के नाम से। मैं दुखित होता हूँ पिता परमेश्वर जब मेरे ऊपर शैतान का वार पड़ता है इस मसीह के नाम से, क्योंकि मैं आपके वचन पर विश्वास और भरोसा रखता हूँ पिता परमेश्वर, थोड़ा विश्वास कम होने के कारण पिता परमेश्वर मेरे ऊपर शैतान किस तरीके से काम करता है मैं जानता हूँ पिता इस मसीह के नाम से। इसलिए मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूँ इस मसीह के नाम से, हर एक चीज को देने वाले, मुहैया कराने वाले, उनके परिवार, उनके घर में, समाज में, कर्जे के लिए, दुख के लिए, मुसीबत के लिए, और जो पिता परमेश्वर जिन मसीह भाई बहनों को बाहर से पैसा आने वाला है, कुछ बहनों को, मसीह भाई बहनों का कमेंट आया था पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी मसीह भाई प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन की रक्षा
करो, सुरक्षा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आप देखभाल उनकी कर पिता परमेश्वर। किसी प्रकार के रोगाड़ू विषाड़ू निर्बलताओं में ना आए पिता यीशु मसीह के नाम से, चाहे किसी प्रकार का विषाड़ू हो यीशु मसीह के नाम से, रोगाड़ू हो, अनेक प्रकार के रोग होते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज इस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता कि आप अनंत काल देने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं खुदावन्द यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप तो परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आप मेरी प्रार्थना के उत्तर ध्यान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इन मसीह भाई इनके जीवन पिता परमेश्वर बहुत कुछ दे पिता परमेश्वर, इनके हर प्रकार की बुराइयों को खत्म कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही ऐसा करने वाले यहोवा परमेश्वर यहोवा हैं। आप मुझ पर करुणा करेंगे, मैं भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ, मुझे आशीष देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, मुझे चंगा करेंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसलिए पिता आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है पिता परमेश्वर। परंतु मैंने ही तो आप पर विश्वास और भरोसा रखा पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही मेरे ऊपर करुणा, मेरे ऊपर आशीष कर सकता है पिता और दया कर सकता है पिता, क्योंकि संसार में और किसी व्यक्ति के द्वारा पिता परमेश्वर कोई दया नहीं करता एक दूसरे के ऊपर पिता, सब अपने लाभ के लिए पिता परमेश्वर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी हर एक संकटों को, हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को हटाने वाले पिता आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा आज मेरे हर एक मसीह भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर मैं आनंदित रहूं पिता, हमेशा प्रार्थना और विनती में लगा रहूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ते, मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, मेरा हाथ थाम के पिता हमेशा चलते, इसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। यही प्रार्थना करते हैं पिता, आज हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा कर, उनकी सुरक्षा कर पिता परमेश्वर, उन मसीह भाई बहनों को लाचार जो पड़े यीशु मसीह के नाम से, जो आपके भरोसे हैं पिता, उनके हर समस्याओं को पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, प्रार्थना करते हैं हर एक मसीह भाई बहन के जीवन से, हर प्रकार के दुख के लिए, मुसीबत के लिए, उनके घर के समस्याओं के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं मसीह के नाम से। जय यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की तंगी जाए यीशु मसीह के नाम से, उनके घर में हर एक चीज को मुहैया करा पिता यीशु मसीह के नाम से, उनके घर में दे पिता यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन्द यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता, उनकी हर एक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर में दे पिता परमेश्वर। जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बहुत बच्चे परेशान है पिता यीशु मसीह के नाम से, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनके मसीह भाई बहन के परिवार के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनका विश्वास इतना मजबूत कर दे पिता परमेश्वर, जब हमारे देश से हर चीज़ों का समस्याओं का समाधान हो जाए पिता परमेश्वर, तो उनकी एक अच्छी नौकरी दे पिता परमेश्वर, एक अच्छी नौकरी लगे, एक अच्छी जॉब लगे पिता परमेश्वर, जहाँ से कुछ पैसे पा करके पिता परमेश्वर जॉब करके आपकी स्तुति आपकी प्रार्थना करके पिता अपने घर के अपने परिवार के मसीह भाई बहन को चला सके पिता परमेश्वर। इसके लिए हम यही दुआ करते हैं उनके घर में पिता परमेश्वर, जो भी मसीह भाई बहन है, चाहे छोटे हों बड़े हों, किसी भी कैटेगरी को कोई भी व्यक्ति उस मसीह के नाम से, चाहे बीमार इस मसीह के नाम से, आज उसको चंगाई दे इस मसीह के नाम से, हीलिंग पिता परमेश्वर, जय इस मसीह के नाम से, हीलिंग गॉड भी इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से भी, इस मसीह के नाम से उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, की बड़ाई है मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज उनके परिवार से कर्जे जाए यीशु मसीह के नाम से, कर्जे मुक्त कर मेरे परमेश्वर, उनके हर एक कर्जे जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक दुख जाए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जाए मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में कर्जे बहुत हो चुके हैं, बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जे पैसे के लेकर के, इसके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनकी हर एक कर्जे को यीशु मसीह के नाम से चला मेरे परमेश्वर यहोवा, हर एक कर्जे को खत्म कर दे यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं यहोवा परमेश्वर कि आज उनके कर्जे से उनको मुक्त करेंगे, दुख से पिता परमेश्वर मुसीबत से उनको छुटकारा देंगे इस मसीह के नाम से। जिन बहनों के जीवन में दुख आ चुका है पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े के कारण पिता परमेश्वर, अपने परिवार में पिता परमेश्वर किसी भी कारण की दुख और तकलीफ और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उनके जीवन उनकी रक्षा कर पिता परमेश्वर, और जिससे प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं उनके जीवन पिता परमेश्वर, आशीष वो पिता परमेश्वर को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता खुदावन्द यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उनके शादी के लिए, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जिनकी मैरिज अभी नहीं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जाए उनके जीवन से हर प्रकार के क्लेश और दुख और मुसीबत को लेकर के, प्रार्थना और दुआ करते हैं उनके मैरिज के लिए, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ यीशु मसीह के नाम से पिता, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनको एक अच्छा पिता परमेश्वर पार्टनर दे, जो चाहते हैं जैसा यीशु मसीह के नाम से वैसा उसके जीवन
जीवन में यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हम यही प्रार्थना करते, यही विनती करते पिता, उनकी देख रेख करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। उनको हर एक दुख से, हर प्रकार के संकट से बचाने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। उनको खाना देने वाले पिता आप, उनको भोजन देने वाले पिता आप हैं, उनको ताकत देने वाले पिता आप। इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते पिता। उनके हर परिवार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भी आपके वचन के द्वारा प्रार्थना और विनती करते हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को बहुत जल्दी उत्तर देते हैं। उनके जीवन में बहुत जल्दी फास्ट काम करते हैं पिता। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। उन्नत सुबह के लिए जो भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता। उनको हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, रोगाड़ो, विषाड़ो, निर्बलताएं दूर हो जाए पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो। उनके हर एक प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, मुसीबत, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में जीवन में कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से जय, यीशु मसीह के नाम से जय, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता फिर समाव जला दे। यीशु मसीह के नाम से सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द अंगों की समस्या के नाम से जला दे। यीशु मसीह के नाम से जय, यीशु मसीह के नाम से आज, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए और डांटिए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जय, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने जा रहे हैं, हर एक प्रकार के दुख को ठीक करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन, पिता उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। रो रो करके प्रार्थना लोग करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनकी प्रार्थना को सुनिए यहोवा परमेश्वर। उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर। उनको ताकत दे पिता परमेश्वर कि आपसे विनती और प्रार्थना कर सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में समस्याएं जो है लाइफ में, जीवन में, यीशु मसीह के नाम से जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।